वैद्य जगजीत सिंह चंडीगढ़ एवरेज सेंटर तो अच्छा जिमें ग्रीष्म ऋतु गर्मी की रुत शुरू हो चुकी है और ये करके बॉडी के ड्राईनैस या डीहाइड्रेशन होनी एक आम गल है। असी पानी की मात्रा अगर ठीक पीते रहिए एवरेज 3 to 4 लीटर पानी जो दिन के इनटेक करिए सानू ये बड़े घट चांस होंगे ने और असी इस ग्रीष्म ऋतु तो अपनी स्किन अपनी बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी मेनटेन रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखा है बहुत गलों के कई बार असी लापरवाही भी कर जन्ने जा टाइम नहीं मिलता जा सानू पानी के उपर थोड़ा यह होंगे कि शामी यह साफ है कि नहीं है तो बॉडी में डीहाइड्रेशन हो जाती है गर्मी के सानू इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये साढ़े कली पानी की मात्रा ही नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड पोटाशियम बहुत चीज़ों की जी मात्रा बॉडी में इमबैलेंस हो जाती है और वो घटन करके सानू कई बार चक्कर आना या नौजिया महसूस होना कम करने की समर्था पूरी नहीं रहती और सब तो बड़ी गल है कि असी ठीक पासे नहीं सोचते असी कई बार गलत मिथ पाल लें भी अज खाना लेट खाया गा जां असी ज़्यादा खाना खा लिया गा लेकिन डीहाइड्रेशन का असी ध्यान नहीं रखते। मैं हमेशा हरेक ऋतु के दसदा रहना भी इस ऋतु में असी इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखो। सो ग्रीष्म ऋतु के भी मैं थोड़ा डीहाइड्रेशन बारे जोर दे के कहना चाहना भी कभी भी पानी की मात्रा घट ना हो दो जिन्ना साड़ी बॉडी वास्ते खून डाइट खाना ये जरूरी ने उन्ना ही साड़ी हाइड्रेट होना बॉडी का बहुत जरूरी है। जो साड़ी डीहाइड्रेशन होएगी उस स्किन पर ड्राइनैस आएगी इंटरनल ड्राइनैस होएगी बहुत सारिया प्रॉब्लम जड़िया ने उसी आप इनवाइट करते हैं। इस करके अच्छा गर्मी ऋतु के नारियल पानी नींबू पानी लैमन वाटर और नॉर्मल पानी जड़ा है वह 3 to 4 लीटर जरूर पियो ताकि असी स्वस्थ रहिए और सेहतयाब रहिए। जय हिंद जय आयुर्वेद।